हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, सिल्वर शिमरी आईज विद न्यूड लिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। मैंने इतना सा लिया है, इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। गाइज, ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है, मैटिफाइंग है, मैट लुक देता है स्किन को, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र और मुझे काफ़ी पसंद है ये पर्सनली। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आइलैंड किस चेरी ब्लॉसम फ्लोरल लिप मॉइस्चराइज़र। इसके हेल्प से मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर और मैं इतना सा ले रही हूँ। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे स्प्रेड कर लूँगी और अपने ऑल ओवर फेस पे स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। काफ़ी अच्छा है ये प्राइमर गाइस, ये काफ़ी अच्छे से फिल करता है हमारे पोर्स को और काफ़ी अच्छा सा कैनवस तैयार करता है कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। काफ़ी थिक है ये, तो अच्छे से अप्लाई होता है हमारी स्किन पे इवनली। सो बहुत अच्छा है ये प्राइमर। अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर और मेरा शेड है वार्म हनी और मैं इसे अपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई कर लूँगी, जो भी ब्लेमिशेस है फेस पे और अपने डार्क सर्कल्स पे। वेट एंड वाइल्ड कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ नेल्फ HD फाउंडेशन और मेरा शेड है 02 हनी गोल्ड। इसे मैं एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश की हेल्प से अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये फाउंडेशन गाइस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। बस इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है। मेरी स्किन के लिए भी मुझे थोड़ा लाइट लगता है ये शेड, पर वैसे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडेबल है काफ़ी स्किन पे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रहता है ये स्किन पे, बिल्कुल भी केकी नहीं होता स्किन पे, केकी लुक नहीं देता ज़रा भी। सो वैसे अच्छा है ये फाउंडेशन। एंड गाइज, डोंट फर्गेट योर नेक। नेक पे भी अप्लाई करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम फेस पे अप्लाई करते हैं, वरना हमारी नेक और फेस की जो स्किन है वो अलग दिखेगी। हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर और मेरा शेड है मीडियम। गाइज, ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये कंसीलर, मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है। वैसे एले गर्ल के जो कंसीलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने जब से ये ट्राई किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला कंसीलर भी। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन में, काफ़ी ब्लेंडेबल है। सो ये कंसीलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर और ऑल ओवर फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और मेरा शेड है शेल। ये कॉम्पैक्ट पाउडर गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी मैट लुक देता है स्किन को और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया ये, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है और इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं जो सभी स्किन टोन्स के लिए ईजिली मिल जाते हैं, सभी को सूट करते हैं वो सारे जो भी इसके शेड्स हैं। फेस कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर ब्लशर और मेरा शेड है 11। गाइज, वैसे तो ये ब्लशर है पर इसका जो शेड है वो काफ़ी प्रिटी है, देखिए कितना प्यारा ब्राउनिश सा शेड है इसका, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है कंटोरिंग के लिए। सो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये, तो मैं इसे एज ए कंटोरिंग इसमें यूज़ कर रही हूँ इस ब्लशर को। ये देखिए कितना अच्छे से डायमेंशन देता है ये फेस को, काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी प्रिटी सा शेड है इसका।
ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन वी फेस ब्लश कंटोर किट, और इसमें से मैं ये ब्राउनी सा पीची सा जो शेड है इसे एज ए ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी प्रिटी शेड है, ये सभी स्किन टोन को सूट करता है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर, और मेरा शेड है प्रीसियस पेटल्स। काफ़ी प्रिटी शेड है इसका, काफ़ी सूट करता है सभी स्किन टोन्स को, और ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रा भी चंकी नहीं है, बहुत अच्छी सी शाइन देते हैं स्किन पे, काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ जाता है स्किन पे। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन द न्यूड पैलेट। इस पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। ये एक मल्टीटास्किंग पैलेट है गाइज, इसे हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, फेस कंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग पैलेट है ये पैलेट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, काफ़ी लुक क्रिएट कर सकते हैं हम इस पैलेट की हेल्प से। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन कंफर्ट जोन आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने ट्रांजिशन शेड की तरह क्रीज लाइन में अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, आई शेडो को अच्छा लुक देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना। आई शेडो में से मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसे मैं पेंसिल आई शेडो ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन के जस्ट बिलो अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए। जस्ट मैं क्रीज लाइन में ही अप्लाई कर रही हूँ गाइस, आप देख सकते हैं इसे इस तरह से डिफाइन करना है अपनी क्रीज को, क्रीज में ही इसे ब्लेंड करना है अच्छे से। सेम डार्क ब्राउन आई शेडो को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। आई शेडो को आईलिड्स पे अच्छे से प्लेस करने के लिए मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। वेट एंड वाइल्ड कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी इस कंसीलर को। मैं जस्ट इसे अपने आईलिड पे ही ब्लेंड करूँगी गाइस, आप देख सकते हैं मैं इसे अपने आईलिड्स पे ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आईलिड्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस क्लेयर का ये सिंगल आई शेडो, और मेरा शेड है 852। ये काफ़ी प्रिटी सा सिल्वर शिमरी शेड है, इसे मैं अपने ऑल ओवर आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से प्लेस कर लूँगी इसे। सेम आई शेडो की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी, और वाटर लाइन पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस क्लेयर ग्लिमर स्टिक फॉर आईज, और मेरा शेड है पर्ल वाइट, इसे मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। ब्राउन को हाईलाइट करने के लिए सेम आई शेडो पैलेट में से मैं ये गोल्डन शिमरी शेड ले रही हूँ, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी ब्राउन में। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटिन लिक्विड आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं एक नॉर्मल विंग क्रिएट कर लूँगी। काफ़ी अच्छा है गाइज ये आईलाइनर, और काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसका जो ब्रिसल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, वो बहुत अच्छे से एक विंग क्रिएट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है तो मुझे काफ़ी पसंद है ये आईलाइनर। अब वेगा आईलैश कर्लर की हेल्प से मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आईलैशेस पे। गाइस, काफ़ी अच्छा है ये मस्कारा, काफ़ी अफोर्डेबल है, वाटरप्रूफ है, और मेबलिन के सभी मस्कारा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, वो काफ़ी अच्छा लुक देते हैं आईलैशेस को। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक कलर, और मेरा शेड है कॉफ़ी लाइट। काफ़ी प्रिटी न्यूड शेड है ये गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद है, समर सीज़न में तो ये ऐसे न्यूड शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला शेड। और गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक।
सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।